हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोसाइटी ब्लॉगर में। तो फ्रेंड्स, समोसा एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको, लगभग सभी को पसंद होती है। और समोसे की जो फीलिंग होती है, जो आलू तैयार करते हैं ना, वो किस तरीके से तैयार करते हैं, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की और रेसिपी आपको मिलती रहे। और समोसे की फीलिंग जैसे हम लोग बनाते हैं, तो आप उबले आलू से भी बना सकते हैं और कच्चे आलू से भी बना सकते हैं। तो जो कच्चे आलू भुन के हम बनाते हैं, उसकी फीलिंग ज़्यादा टेस्टी बनती है और मतलब सबको पसंद आती है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। और समोसा तो वैसे भी सबको पसंद होता है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जिसका नाम है समोसे की फीलिंग। तो समोसा फिलिंग बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये 500 ग्राम आलू लिए थे। तो मैं आपको 500 ग्राम आलू के हिसाब से ही मसाले बताऊंगी। तो ये आलू का छिलका मैंने निकाल लिया था, फिर आलू को अच्छे से बारीक बारीक काट लिया और इनको पानी से अच्छे से धुल के साफ़ कर लिया है। और अब ये देख लेते हैं सूखे मसाले। तो सबसे पहले देखते हैं तड़के के लिए मैंने लिया है ये खड़ी वाली धनिया है, सूखी वाली, ये ली है आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच हींग। और यहाँ पे ली है 4 से 5 ये हरी मिर्च थी, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये लगभग 50 ग्राम के फ्रोजन मटर ली है, 1 चम्मच सफ़ेद वाला नमक। और अब ये सूखे मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 1 चम्मच भुनी हुई सौंफ का पाउडर। तो ये मसाले में भून के और पीस के रख लेती हूँ, और जब डालना होता है, यूज करना होता है, तो अपना निकाल के यूज कर लेती हूँ। आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च, और ये 1 चम्मच सूखी अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर। ये 1.5 चम्मच लिया है अमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है यहाँ पे देगी मिर्च। तो ये सारे सूखे मसाले हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे तड़का। तड़के का ही पहले यूज होता है, तो सबसे पहले तड़का डालेंगे, उसके बाद डालेंगे हरी मिर्च और फिर मटर, फिर आलू। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए, गैस पे कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी, तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे सूखा वाला तड़का और इसके बाद डाल देंगे ये हरी वाली मिर्च जो हमने काट के रखी थी, और फिर ये मटर को हल्की सी भून लेंगे, और उसके बाद डालेंगे ये आलू जो हमने काट के रखे हैं। और बाकी के मसाले डालेंगे बाद में, जब ये आलू हमारे पक जाएंगे तब, जो सूखे मसाले हमने, और नमक भी अभी नहीं ऐड करेंगे, नमक भी हम बाद में डालेंगे जब ये आलू अच्छे से पक जाएंगे। तो इस तरीके की जो फीलिंग बनती है ना समोसे की, तो बहुत ज़्यादा मतलब स्वादिष्ट बनती है, टेस्टी बनती है। आप चाहें तो उबले हुए आलू की भी फीलिंग बना सकते हैं, लेकिन ये वाली सबको ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि उबले हुए आलू और कच्चे आलू का टेस्ट अलग अलग हो जाता है ना। तो ये देखिए, 2-3 बार मैंने खोल के चलाया था ना, तो ये अच्छे से अब आलू हमारे पक चुके हैं। ये देखिए, मैं फोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अब इसमें डालेंगे जो सूखे मसाले हमने निकाल के रखे थे, वो सारे डाल देंगे, और नमक भी अब ऐड कर देंगे, क्योंकि आलू हमारे पक चुके हैं। और अब इन आलूओं को जो हम ढकेंगे बिल्कुल भी नहीं, इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए पकाएंगे खुला ही। और ये जितने मसाले डाले हैं ना हमने सूखे वाले, उनको अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। अब इन आलूओं को ढकना नहीं, और जो करछली से थोड़े से मतलब दबा दबा के फोड़ देंगे आलू। तो हल्का हल्का से दबा देंगे, तो आलू जो है हल्के हल्के से फूट जाएंगे। और ये देखिए, हमारी फीलिंग तैयार हो गई। अब निकाल लेंगे इनको अलग बर्तन में, क्योंकि इनको ठंडा करके ही समोसे में भरते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।